नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अभिनेता शिव किकोर की हिंदी फिल्म अकड़ की शूटिंग सलूम्बर से शुरू हुई। सलूम्बर कस्बे के छोटे से गांव से शिव किकोर हैं, जिनकी पहले हिंदी, मराठी और राजस्थानी फिल्में आ चुकी हैं। आज से नई फिल्म अकड़ की शूटिंग सलूम्बर के विभिन्न जगहों पर फिल्माई गई। फिल्म के डायरेक्टर हेमंत सिरवी, फिल्म के निर्माता मनमोहन गुजर हैं। फिल्म में शिव किकोर मुख्य अभिनेता हैं। उनके साथ हर्षित माथुर, सुष्मिता राणा, राजवीर गुजर बस्सी, राजस्थानी गानों के सुपरस्टार चिंटू प्रजापत, ले फोटो ले फिल्म गोरी नागोरी, आयुषी सिसोदिया, सिद्धार्थ, हंसा तिवारी, ऊषा जी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का फिल्मांकन सलूम्बर के आसपास के क्षेत्र में किया जाएगा। सलूम्बर तहसील क्षेत्र के बामनिया गांव में 80 दिन पूर्व घर से लापता 30 वर्षीय युवक का शनिवार को कंकाल मिला। बामनिया गांव निवासी नारायण पुत्र गोवना मीणा उम्र 30 वर्ष युवक 2 नवंबर से अपने घर पहचान लापता हो गया है, जिसकी तलाश परिजन ने अपने रिश्तेदारों में की, लेकिन नहीं मिलने पर 1 माह बाद जलारा पहुंच गए। थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। सूत्रों के अनुसार युवक 2 नवंबर से पूर्व गांव के बामनिया तालाब पर मच्छी के ठेके पर कार्य करता था, लेकिन 2 नवंबर के बाद उसका कहीं पता नहीं चल पाया। शनिवार को तालाब के किनारे पर पानी खाली होने के कारण खाली पड़ी भूमि पर कंकाल होने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। सलूम्बर वृत्ताधिकारी सुधा पालावत मय जाप्ता वहां पहुंची तथा परिजनों ने युवक के शर्ट एवं पैंट के आधार पर कंकाल की पहचान की, जिसके बाद कंकाल को राजकीय सामान्य चिकित्सालय सलूम्बर पहुंचाया गया। सहायक पुलिस उप निरीक्षक सलीम खान ने पोस्टमार्टम करवाकर कंकाल परिजनों को दाह संस्कार के लिए सुपुर्द किया। हाँ, ये 31 वर्षीय व्यक्ति था, नारायण नाम था इसका। ये 2 नवंबर से अपने घर से गायब था जी मैम। दिसंबर में घर वालों ने एनपीआर दर्ज करवाई। इसके बाद में हम तलाश कर ही रहे थे इसकी, तो कल सूचना मिली कि जो नारायण की माता जी है उनको उसके कपड़े, पैंट शर्ट और ये तालाब के किनारे मिला। उसके पास ही ये इसका कंकाल मिला। तो हम मैं मौके पे पहुंची और जलाना थाने से जाप्ता भी पहुंचा। जो कंकाल मिला था उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया ताकि उसका चिकित्सकीय परीक्षण हो सके और रिपोर्ट दर्ज कर ली, अनुसंधान जारी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक चोरी के बढ़ते मामले को देखकर पुलिस ने अब कार्यवाही शुरू कर दी है। इस कड़ी में रविवार को जिले के सलूम्बर, सराड़ा और प्रसाद क्षेत्र में बाइक चोरी के मामले का सलूम्बर पुलिस ने खुलासा किया है। सलूम्बर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों सहित उनके कब्जे से 7 बाइक बरामद की है। थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा से मिली जानकारी के अनुसार SP डॉ. राजीव प्रचार के निर्देशन में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। क्षेत्र में बाइक चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया और मामले में गिरोह को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भेरूलाल मीणा, पिता लालूराम मीणा, निवासी बरौलिया के काका के मोटरसाइकिल चोरी मामले में एक आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। दोनों आरोपियों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने सलूम्बर, प्रसाद और सड़क क्षेत्र में 7 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल कर लिया। आरोपी भगवती लाल मीणा उर्फ बग्गा और प्रकाश मीणा, पिता मावालाल मीणा की निशानदेही से अलग अलग स्थानों से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थानाधिकारी ने बताया कि दोनों मुलजिमों से गहनता से पूछताछ जारी है। कार्यवाही करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल बंसीलाल, कांस्टेबल कृष्णाराम, अशोक मुकेश, कांस्टेबल सचिन कुमार, भगत सिंह, गोविंद, गोपाल कृष्ण, जितेंद्र सिंह, सुनील कुमार, रणधीर सिंह, सोनू शर्मा, पुष्कर और अशोक कुमार शामिल थे। जिला पुलिस अधीक्षक राजीव प्रचार ने रविवार को सलूम्बर पुलिस थाना पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान पुलिस जवानों से थाने के नफरी की जानकारी ली और SP कार्यालय, CEO कार्यालय, पुलिस के जवानों की आवास, शौचालय एवं थाने परिसर में घूमकर निरीक्षण करते हुए पुनः थाना भवन पहुंचे, जहां मालखाना, हवालात, रसोई घर तथा ऑनलाइन कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद नगर से आए नगरवासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक का माल्यार्पण व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नगरवासियों के साथ बैठक कर नगर में हो रहे चुनाव को लेकर जानकारी ली और नगरवासियों ने ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मांग रखी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी जगह बड़े शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पूर्व में 1 से 4 ट्रैफिक जाब्ते के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है, लेकिन COVID-19 के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया। फिर भी 2 जवान ट्रैफिक लगाने के लिए विचार किया जाएगा। थाने से जाते समय जिला पुलिस अधीक्षक थाने की पुलिस जाब्ते से फिर से वार्तालाप करने खड़े हो गए और उनसे कहा कि निष्पक्ष रहते हुए सशक्त रहें तथा बीच की कोई भी जानकारी मिले उसे तत्काल उच्च अधिकारी को अवगत कराएं। साथ ही किसी प्रकार डिप्रेशन में न रहें। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप थानाधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बता सकते हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, अपनी समस्या खुलकर बताएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।